एक साल बारिश नहीं होने से सारे पेड़ पौधे सूख गए, तालाब सूख गया। उस जंगल में हाथी रहते, तो हाथी के लिए पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, हरे पत्ते खाने के लिए जंगल भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ना पानी रहा ना जंगल रहा, तो सारे हाथी बूढ़े हाथी से कहते हैं, बिना पानी हमारा जीवन अधूरा है, हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे। तो बूढ़े हाथी ने कहा, एक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक तालाब जानता हूँ, उसमें बहुत सारा पानी है, हरे भरे पेड़ भी हैं, तुम्हारे को वहाँ लेके चलूँगा। सारे हाथी उसके पीछे पीछे जाते हैं, बड़े सारे तालाब में लेके चले जाते हैं, वहाँ आराम से नहाते धोते मस्ती करते। तो वहाँ एक खरगोश का दल भी रहता था। हाथी आ गए हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, हरी हरी घास को ये पाँव से फेंक रहे हैं, इनको भगाना है। खरगोश ने मिलकर एक मीटिंग की। बूढ़े खरगोश ने कहा, अपन इनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, बुद्धि से ही भगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन छोटे हैं, ये बड़ा है, एक ठोकर की देगा मार देगा, मैं इसका तरकीब निकाल के भगा दूंगा। हाथी के पास खरगोश जाता है, कहता है, मैं चंद्रमा का दूध हूँ, ये तालाब चंद्रमा का आया, चंद्रमा तो मामा गुस्सा करें, यहाँ से चले जाओ। तो हाथी ने कहा, मैं कैसे यकीन करूँगा तुम चंद्रमा के दूध हो, ये तालाब चंद्रमा का है, और चंद्रमा मामा गुस्सा करें। देखो मेरे को उन्होंने भेजा, मैं आपके पास आ गया, आपको यकीन नहीं है, शाम के टाइम में तालाब की पाल पर आ जाना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। अगर चंद्रमा तुम्हारा गुस्सा करते हुए दिखे तो चले जाना, नहीं तो यहीं रहना। तो हाथी भी वहाँ शाम के टाइम में पहुँच गया तालाब की पाल पर, खरगोश भी वहाँ पहुँच गया। तो चंद्रमा का पूरा प्रकाश पानी में पड़ता है, तो पानी ले जाता है, तो चंद्रमा भी ले जाता है। तो खरगोश ने कहा, देखो चंद्रमा तुम्हारा गुस्सा करें, कहीं तुम्हारा नुकसान नहीं कर दे, यहाँ से चले जाओ। तो अब चंद्रमा ने, हाथी ने भी देखा, वास्तव में चंद्रमा पान पर गुस्सा करें, कंपाई मान हो रहे हैं, यहाँ से चला जाना चाहिए। तो सारे हाथी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, थोड़ा पानी होता, थोड़ा जंगल होता, तो सारे खरगोश खुशी मनाते। एक छोटे से जानवर ने बड़े हाथी को बुद्धि से भगा दिया।